मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग टाइम में मैंने ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है टेबल पे, पर अभी खाया नहीं है मैंने। हस्बैंड जी को दिया, वो खा रहे। और यहाँ पे प्राची का भी मैं ब्रेकफास्ट करके चोटी बनाऊंगी। देखिए वो फ्रेशन अप हो चुकी है, पर उसका मैंने चोटी नहीं बनाना है, तो उसको चोटी बनाऊंगी। देखा कैसा लग रही है ना? तो इसको मैं अभी टीका वगैरह लगाने वाली हूँ, और फ्रेशन अप मैंने करा दिया है। तो इसे मैं पहले पूरा रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं इससे मिलाऊंगी आपको। अभी ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है आज। मम्मा इखने बसो, है इखने बसो। तो यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए ये तो ये फ्राइड राइस है। देखिए जो चना है ना, चना ब्लैक चना और छोले, तो वो भिगो के रखा था, और इससे मुझे ऐसे फ्राइड राइस खाना बहुत ही पसंद है। पापा जल खा दे। तो ऐसे मैंने इसे फ्राई कर लिया है तेल पे, और साथ में यहाँ पे फिश का करी था सरसों का, तो वो है, और ये मीठा है। तो ऐसे हमें अभी सुबह का नाश्ता हम लोग कर लेंगे। और मैंने अलग आज कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने सोचा रोज रोज क्या बनाना। तो ये रात का राइस जो बच गया था, इसी को मैंने आज भून दिया है थोड़ा सा, ऐसे ही आज ब्रेकफास्ट चला जाएगा। तो प्राची आ चुकी है यहाँ पे, देखिए उसे भी खाना है। खाना पापा, उसका खाना हो चुका है, पर उसे ये खाना है। इससे खाना ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको खाना है मम्मा? फ्रेंड्स इतना बेसी भल लगे ना। মাঝে মাঝে এরকম খাইতে লাগে না, রাত্রে ভাত থাকলে ডেলি ডেলি আর কি বানাবা রুটি পুরি। মাম্মা না 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 না, পড়ে যাবে তো মাম্মা। না 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 না, পড়ে যাবে পড়ে যাবে। पहले फिनिश कर लू, उसके बाद मिल रही हूँ। ये बहुत नटखट है ना, गिरा देगी। तो पहले खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद मिल रही हूँ। मम्मा मम्मा डांस करो, डांस नाचो नाचो दो, ऐसे गान लगते देखो, डांस करो मम्मा 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 ऐसे नाचो नाचो दो। দেখো গান বাজে দিচ্ছে, গান এই যে কি এই যে টিকিনি বাপা, ভয় লাগছে রে আমার। ও বাবা, পিটি পিটি দিবে মাম্মা, পিটি পিটি দিবা। আজ মা আমা আজ দেখা মাম্মা কও মাম্মা, এই মাম্মা কও, পাপা কও পাপা 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 পাপা। বলবে না তুমি, যাই তাহলে যাই।
चलो टाटा टाटा আমি কা রান্না করি গই রান্না বসাবো হ্যাঁ হ্যাঁ রান্না বসাই টুকু টুকুলি বাবা 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 তাও রোজ রোজ এই যে এখানে আছে এই যে দেখো চি 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 আ तो अभी कहता पैसा पाओ ना जे 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 देखो तो अभी हम लोग क्या करेंगे खाना बनाएंगे मम्मा की कबे पापा बोले दो को बोलो रान्ना बसाबे एखन माम बोलो 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 तो मैं अभी जाऊंगी किचन पे लंच के लिए लंच प्रिपेयर करूंगी अभी मम्मा इसको भी ये चाहिए ले लो देखा तो मैं अभी जा रही हूँ किचन पे अभी खाना बनाने के लिए जाऊंगी लंच के लिए और लंच प्रिपेयर करूंगी अभी तो लंच पे मैं क्या क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी पर भी सब्जी जो है ना वो जो वेज है वो सब थोड़ा सा खराब हो रहा है तो मैं उसी से कुछ बनाऊंगी तो चलिए बनाते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या बनाया है चलिए तो मेरा जो खाना बनाना हो चुका है और यहाँ पे पहुँचिए देखिए तो अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी तो मैं शावर लेके फिर ही आप लोगों से बात करूंगी हाँ बोल दो बोलो मम्मी थक गई है मम्मी अभी नहा के आएगी और उसके बाद बात करेगी बोलो तो प्राची का खाना हमारा खाना सब बन चुका है वहाँ पे कुकर का सीटी भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा तो ये राइस भी हमारा हो चुका है तो अभी वो मैं अभी बन करके जस्ट अभी नहाऊंगी और नहा के फिर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये देखिए बिस्तर का हालत प्राची खेल रही थी और मैं आ गई हूँ नहा के तो शावर वगैरह सब हो गया है काम भी खत्म हो गया है कुछ भी नहीं है अभी फिनिश सारा काम खत्म अभी जो प्राची खेल रही है तो प्राची को मैं अभी खाना खिलाऊंगी प्राची के पापा को भी मैं अभी परोस देती हूँ खाना तो वो भी खा लेंगे फिर जैसे ही हमको आप सबको पता है प्राची के पापा अभी इसे पकड़ेंगे फिर मैं खाऊंगी प्राची को अब प्राची एक बार उठो उठो हाय बोले दो एक बार उठो हाय बोले दो सबके हाय बोले दो ना बोलो बोलो गुड आफ्टरनून बोलो गुड आफ्टरनून कैसे देखिए और ये क्या हुआ छोटी खोल ली है ये खेलते खेलते क्या कर रही थी और मैं सारा काम कर रही थी ना तो मैंने इसे बीच में लिया नहीं लेकिन एक बार बीच में जब सुबह का खाना खा के फिर थोड़ा सा कुछ खा के वो सो गई थी तो थोड़ा देर के लिए सोई थी बेसिक देखे कर दो तो ज्यादा देर के लिए नहीं सोई थी वो क्या कर रही है प्राची चौक कोई तो एक काम करती हूँ पहले इसे खाना खिला देती हूँ ना
इसे खाना खिला देती हूँ, फटाक से खाना खिला दूंगी, फटाक से खाना खिला दूंगी। कैसे खिलाऊंगी? फटाक से। और इसका पापा को भी मैं दे देती हूँ खाना, तो भी खा लेंगे। तो चलिए डायरेक्ट खाने पे मिलते हैं। तो ये हमारा लंच, तो लंच पे मैंने क्या क्या बनाया देखिए। तो मैंने यहाँ पे राइस लिया है, और ये देखिए, तो यहाँ पे पटल, भात, करेला, तो सब्जी सब खराब हो रहा था ना, तो मैंने इसे एक साथ ही फ्राई कर दिया है, क्योंकि बेकार खराब होने से अच्छा है कि खा लिया जाए। तो आलू दिया है, और थोड़ा सा जो छोले और चना भिगो के रखी थी ना, उसे ऐड कर दिया है। तो इसे ऐसे फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने चावल कुमर जो है ना, उससे फिश का सर से यहाँ पे मैंने घंटों एक बनाया है, और साथ में यहाँ पे मैंने बनाया है फिश करी। तो फिश करी एकदम आलू, बैंगन, टमाटर, ऐसे ही मैंने एकदम पतला सा एक करी बनाया है। यहाँ पे देखिए एकदम पतला सा एक है, और यहाँ पे अंडा, तो ये पापा के लिए है ये अभी। तो ये खाना अभी है हस्बैंड जी का, तो वो खा लेंगे, और वो खाने के बाद फिर मैं खाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए प्राची को, प्राची का खाना हो चुका है, अभी वो क्या कर रही है? मम्मा क्या कर रहे हो? अभी निन्नी, निन्नी जावे ना, ये देखिए अभी देखिए नहीं सो रही है, देखिए अभी बोल रही है नहीं सोऊंगी, नन्ना नन्ना, देखा आप लोगों ने, बोल रही है नन्ना नन्ना। मम्मा सोबे ना, चलो सोबे चलो, ए की सोबे ना तुम्हें, आप लोग देखा, ये अभी मुझे डांट रही है क्योंकि मैंने इसे सोने के लिए बोला है, इसीलिए तो मैंने सोने के लिए बोला इसीलिए इसने मुझे डांट दिया। और इसे अभी ये सभी करना है, इतना मेहनत से खाना खिलाया ना इसे, और क्या हुआ, राइस खाना ही नहीं चाहती है, तो खाना तो पड़ेगा। अभी निन्नी भी बहुत जरूरत है, मम्मा निन्नी बहुत जरूरत है, चलो 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 चलो। मैं सोच रही थी कि इसे भी अभी सुला दूं, और हम लोग भी थोड़ा सा, मतलब मुझे भी थोड़ा सा नींद लग गई है, मतलब अभी ना इतना ऐसा हुआ क्या, सोने का मन कर रहा है मुझे। और ये देखिए अभी ये सोएगी तभी ना मैं सोऊंगी। मम्मा चलो ना घूमो दीपाना, तुम्हें आई जाए, आई आई भूतू भूतू आज बे भूतू চকই তোমার চোখ পাপা, আর তোমার পাপা কই, তোমার পাপা কোথায়, পাপা পাপা কোথায়, পাপা ওখানে, আর মাম্মা কোথায়, মাম্মা আজে নষ্ট করে না, দুষ্টামি করো কেন আজে। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी है शाम का टाइम, और हम लोग ने एक अच्छा सा नैप ले लिया था, और यहाँ पे है प्राची, देखिए वहाँ पे है प्राची, और प्राची खेल रही है। तो एक अच्छा सा नैप ले लिया हम लोगों ने, और नैप ले लेने के बाद अभी प्राची का जो खाना है वो ठंडा हो रहा है, तो प्राची को हम लोग अभी, मैं अभी खाना खिलाऊंगी, देखिए तो प्राची अभी खाना खाएगी, तो इवनिंग का जो नाश्ता है वो करेगी वो, और
प्राची के पापा को मैंने आज एक काम दिया है। तो ना क्या हुआ, सारा दिन भर काम करके अभी ना मुझे ना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही चाय और वो खाया जाए, क्या बोलते हैं, पापड़। तो चाय पीऊंगी और पापड़ खाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि शाम में हो गया ना। और एक बात, आज ना हम लोगों ने ना बहुत देर तक सो लिया, मतलब ना मेरा ना आँख ही नहीं खुल रहा था। मेरा सारा दिन का थकान जो है ना वो एकदम नींद के जरिए एकदम अंदर घुस गया मेरा। और अभी बाहर में आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, तो बारिश दे रहा है। और अभी हम लोग रोडीज देख रहे थे, पर जो बारिश आ गया है उसके वजह से चैनल जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया है, तो रोडीज जो है वो नहीं चल रहा है। और बारिश जो है वो एकदम चालू है। और इस मौसम में पकौड़ा खाना चाहिए था ना, पर एकदम बनाने का मन नहीं कर रहा है अभी, एकदम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जो प्राची का खाना बनाया और उसको अभी खिला रही हूँ, मतलब खिलाऊंगी ठंडा होने के बाद। और प्राची के पापा जो है वो ही बना लेंगे अभी चाय और पकौड़ा नहीं सॉरी। अब मतलब बारिश के मौसम में ना तो पकौड़ा की बात आ, मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ या बहुत स्पीड में बोल रही हूँ ना, तो एकदम जोश में आ गई हूँ थोड़ा सा सूख के। तो यही ऐसा ही है। तो चाय और पापड़ जो है वो सब अभी खाएंगे हम लोग। और आज ना मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया था, पर बीच बीच में बात करने का एकदम टाइम नहीं मिला बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कैमरा उठा के ब्लॉग करने लगूँ ना तो क्या होता है, आपको मेरा नहीं आ रहा है ना, अभी आ रहा है, तो क्या होता है तब ना टाइम और मैनेज नहीं हो पाता है मेरा। और क्या किया जाता है, मतलब कि बेबी है ना, तो बेबी के लिए भी खाना बनाना है, हमारा खाना बनाना है, और कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा बार बार बेबी के पास आके उसको वो करना है ना, फिर उसको नहाना धुलाना, बहुत सारा काम होता है। फिर भी मैं कुछ भी करके सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और हमारा प्राची बिटिया और इतना भी बुरा नहीं है, वो बहुत काम करने के लिए देती है मम्मी को, पर क्या होता है ना बीच बीच में उसे जो मतलब मेरा आदत पड़ जाता है, उसे जो रेस्पी करना होता है ना, तब मुझे बुलाती है, मम्मा बोलती है, वो मम्मा बोलती है, देखा आप लोगों ने, हाँ 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 ओखने बोले दो, ओखने बोले दो। तो क्या हुआ अभी और सोते सोते आज देर कर थोड़ा देर हो गया उठने में, सामने तो उठ के सिर्फ झाड़ू लगा दिया, हाथ मुंह धुलाई कर लिया, फिर प्राची का खाना जो है वो बना लिया है मैंने। अभी प्राची के पापा जो है वो बना के लाएंगे चाय और पापड़ फ्राई। और चलिए प्राची का खाना भी ठंडा हो चुका है, तो उसे भी मैं खिला देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगी ना ज्यादा तो नहीं खाएगी। तो चलिए पहले उसे खिला देती हूँ ना, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। तो मैं आ गई हूँ फिर से, प्राची का खाना जो है वो हो चुका है, और अभी हमारा खाना मतलब चाय नाश्ता। तो ये जो बड़ा पापड़ है ना, मैंने दिखाया था पहले भी आपको, तो बड़ा पापड़ ये भी फ्राई किया है। और साथ में ये वाला छोटा वाला, ये छोटा वाला पापड़ भी फ्राई किया है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और साथ में चाय। आज ऐसा ही मजा लग गया। क्या करूं, रोज रोज नहीं बनाने का मन करता है। हाँ प्राची भी बोल रही है, तो प्राची का भी फिर से खेले खेले शुरू हो जाएगा। और हम लोग ऐसे चाय पी के थोड़ा देर, तो मेरे हस्बैंड जी तो अभी ऑफिस का काम लेके बैठ जाएंगे, और मैं प्राची के साथ खेली खेली।
और फिर डिनर का प्रिपरेशन। तो दोपहर का ही कुछ है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत कुछ बनाना पड़ता है, डिनर भी हो जाएगा ऐसे ही। तो ऐसे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है अभी दूसरा काम, और फिर रात को हम लोगों का डिनर है तीनों का, तो डिनर करके फिर हम लोग सो जाएंगे। तो ऐसा ही है अभी। क्या किया जाता है तो प्राची के साथ तो टाइम निकल जाता है ना, तो फिर ऐसे ही। और एक बात, आज का ब्लॉग जो है तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों को बोला ही था, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत करके जो जो मैंने रिकॉर्ड किया है तो उसको मैं एडिट करूंगी अभी। तो एडिट का काम रहता है वो रात को, ऐसे अभी तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि प्राची करने नहीं देगी, तो शायद रात को ही करूंगी, और नहीं होगा तो कल कर सकती हूँ, फिर कल आ जाएगा ब्लॉग। तो ऐसे ही जा रहा है। तो और इस वीडियो को और मैं लंबा नहीं बनाती हूँ, तो अभी इस वीडियो को वहीं पे एंड कर लूंगी। और आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्राची भी आ गई है, ओके। और फिर हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।